ओके, सबसे पहले देखें अब हमें क्या करना है, हमें देखना है एक फ्रीज सेल के, फ्रीज सेल क्या होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ फ्रीज सेल क्या होता है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। फ्रीज सेल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्यों है ये आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, तो फ्रीज सेल पहले मैं आपको समझा दूँ कि फ्रीज सेल होता क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है जम जाना या जमा देना। ठीक है, ये फ्रीज का मतलब होता है। ओके, सो इसी तरह अब हुआ क्या है, इस वाले सेल को मैंने फ्रीज किया हुआ है इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर मैंने इस सेल को फ्रीज किया हुआ है, मतलब क्या, जो वैल्यू मेरी इस 4 की वैल्यू जो यहाँ पे है वही वैल्यू मेरी इन सब में आ रही है। ठीक है, वही वैल्यू इन सब में रहेगी क्योंकि मैंने सबको सेल को फ्रीज किया हुआ है। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा देख लेते हैं। इसका फायदा ये होगा, अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 6 करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक 6 का टेबल बन गया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ऑटोमेटिक 6 का टेबल तैयार हो गया। 6 की जगह मैं 12 लिखता हूँ तो 12 का टेबल, 13 लिखता हूँ तो 13 का टेबल, 14 लिखता हूँ तो 14 का टेबल, यानी कि जो नंबर मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक वो नंबर अप्लाई होगा और उसके हिसाब से मेरा पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट बन जाएगा। भले यहाँ पे मैं 50 का टेबल लिख लूँ या मैं यहाँ पे 55 का टेबल लिख लूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉपर 55 का टेबल बन गया, यानी कि जो नंबर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, नंबर इंटर करूंगा, वही वैल्यू मेरी उसी हिसाब से पूरी यहाँ पे आएगी और यहाँ के हिसाब से कैलकुलेशन होकर पूरा का पूरा एक टेबल मेरा रेडी होता रहेगा। ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, सो इस वक्त देखें इसके अंदर तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो देखें आपके सामने सीधे से मैं नंबर लिख रहा हूँ, 2 लिखा तो 2 का टेबल बन गया। इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक कंडीशन चेंज है क्या, जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अगर मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने किया क्या, पहले उसको समझते हैं। पहले मैं सबको हटा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू दिया और इस 2 को, यानी कि इस वाले सेल को मैंने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया। यही चीज हमें पहले भी पता है, हम कर चुके हैं। एंटर किया तो देखें ऊपर से इसने 2 को यहाँ पे उठा लिया। अब मैं यहाँ पे अगर 4 लिखता हूँ तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 भी आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज मेरी ऑटोमेटिक चल रही है क्योंकि मैंने इस वाले सेल को यहाँ डिफाइन करवा दी, जैसा कि हमने याद है पहले सम में किया था और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन वाला जो किया था उसमें किया था, यानी मेन वैल्यू हमने दिखाई थी। ये सेम वही उसी तरह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन समटाइम अगर मैं इसको नीचे तक लेके आके ऑटो फिल करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आई, एक में अप्लाई हुआ और एक में नहीं हुआ, फिर एक में अप्लाई हुआ, फिर एक में अप्लाई नहीं हुआ, फिर एक में अप्लाई हुआ, फिर एक में अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे अलग 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 तरह से चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा करेक्ट करना है। करेक्ट से बना दिए, अब हमें क्या करना होगा, हम सेल को करेंगे फ्रीज। फ्रीज करने का तरीका क्या है, मैं इस सेल को ओपन करूंगा, E2 सेल की पूरी वैल्यू है मेरी E2, यानी कि कॉलम E और रो 2। ठीक है, E2 इस चीज का याद रखिएगा। यहाँ से देखें रो 2 जा रही है, मैं आपको प्रॉपर गाइड भी कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये मेरी कॉलम E आ गया और रो हो गई मेरी 2, यानी कि टोटल E2। ठीक है, टोटल E2 हो गई। अब क्या देखें, E से पहले मैं लगाऊंगा डॉलर का साइन, 2 से पहले मैं लगाऊंगा डॉलर का साइन। ठीक है, शिफ्ट के साथ आपने 4 को प्रेस करना है तो आपका डॉलर का साइन लग जाएगा। दोनों में डॉलर का साइन लगने का मतलब ये हुआ, ये सेल मेरा हो गया फ्रीज। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस सेल की वैल्यू इसमें दी, उसके बाद एक E से पहले डॉलर का साइन लगा दिया और एक 2 से पहले डॉलर का साइन लगा दिया और कर दिया इंटर। ठीक है, अब ये सेल मेरा फ्रीज हो गया। फ्रीज से मतलब ये सेल जम गया मेरा एक जगह। अब मैं इसको कहीं भी ड्रैग करूँ, कुछ भी करूँ, यहाँ से फॉर्मूला नहीं लेगा और अगर मैं ड्रैग करूँगा तो प्रॉपर नीचे तक कंप्लीट फॉर्मूला आएगा। देखें समझ आया क्या मतलब, ऊपर जब मैंने एक सेल को फ्रीज किया तो अब सब जगह सेम वैल्यू आ रही है क्योंकि ये सेल फ्रीज हुआ हुआ है और हर जगह पे सेल फ्रीज होके ही जा रहा है, नीचे तक पहुँच रहा है। ठीक है, ये आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये फ्रीज सेल का मतलब क्या होता है। फ्रीज सेल सिंपल सी मैथड है जो कि आगे आपको बहुत काम आने वाला है, आगे बहुत सारे से काम आएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेट्स से 9 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ तो देखें सब तरफ 9 हुआ और 9 की मदद से यहाँ पे टेबल आया। अब सवाल ये है, ये कैलकुलेशन आ कैसे रही है। ठीक है, इसको देखना है कि ये कैलकुलेशन कैसे आ रही है। अब मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। ओके, अब इसको देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आ कैसे रही है। सो हमें देखना है इस वाली कैलकुलेशन हो, ये कैलकुलेशन कैसे आई है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई किस इसका हुआ हुआ है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, जी सर बताएंगे, आप बताएं सर। इज इक्वल टू C4 और मल्टीप्लाई E4 C4 मल्टीप्लाई E4 ना, इंटर किया तो 9 आ गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आप ऐसे भी कर सकती हैं और यहाँ से उल्टा भी कर सकती हैं। उल्टे से मरा दिए, आप पहले ये भी ले सकती हैं 9 वन ज़ा 9 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह मैं ऑटो फिल यहाँ पे नीचे तक कर दूंगा तो टोटली मेरा कंप्लीट आ जाएगा यानी कि 18। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 होता है, इसी तरह 9 3 ज़ा 27 होता है, इसी तरह 9 4 ज़ा 36 होता है। तो यानी कि इस 9 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास पूरा आंसर आया मेरा 36। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? ओके 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 ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन थी इस चीज़ की, फ्री सेल क्यों है आगे आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, पता चलेगा कि मैंने क्यों रखा है। ओके 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 अच्छा, अब हमें कुछ चीज़ों को और समझना है। ठीक है, पहले हम समझते हैं काउंट, क्या हमारे पास काउंट क्या होता है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी पहले बेसिक फंडामेंटल आपकी क्लियर कर दूं ताकि आगे जाके जब हम इस तरह के काम करें तो आपको भूलने ना, आपको कोई परेशानी ना हो, याद रहे। ये सब आपने याद रखने हैं क्योंकि आगे जो मैं काम करूँगा और करवाऊंगा आप लोगों से, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा तो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट हम करेंगे कौन सा वाला, काउंट वाला। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे काउंट, ये वाला, ये काउंट क्या होता है। ठीक है, काउंट ए क्या होता है, इसी तरह काउंट ब्लैंक क्या होता है, इसी तरह ये काउंट ये वाला क्या होता है, और इसी तरह काउंट इफ क्या होता है। यहाँ पे 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, इन चारों कंडीशंस को हमने देखना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी काउंट ऑल वाली वैल्यूज को। ठीक है, काउंट ऑल यानी कि 13। अब यहाँ पे अगर हम इन सबको काउंट करते हैं इतना, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दे रहा है इसमें 13 काउंट है। 13 से मुराद ये है, कैसे 13 काउंट है इस चीज को मैं भी आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ब्लैंक को काउंट नहीं कर रहा मैं, 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, कितने हो गए हैं, 12 हो गए। और भी शायद कोई नीचे वैल्यू है, चेक कर लेते हैं। हाँ, नीचे वैल्यू यानी कि 13 हो गई टोटल। ठीक है, टोटल 13 हो गई, टोटल 13 वैल्यू है। ठीक है, आई होप कि चीज़ आपको यहाँ तक तो समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 वैल्यू। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 13। आई होप कि इसे आपको समझ में आ रही होगी। 13 लिखा हुआ है क्योंकि है काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, काउंट का मतलब गिनना, काउंट करना, और इसके साथ जो ये ए लगा हुआ है इस ए का मतलब है ऑल, काउंट ऑल। यानी कि यहाँ पे जितनी भी इसके अंदर अंदर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये कह रहा है कि ये सारी वैल्यूज को ये काउंट ए हमारा काउंट करके दे दे और काउंट हमारा आ जाए यहाँ पे। ठीक है भाई, आई होप कि इसे आपको समझ में आ रही होगी कि हुआ क्या है। अब इसको मैं सब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं यहाँ से कुछ ये 4.7 वाली वैल्यूज को हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, 12। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप के क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से कि मेरी जो वैल्यू यहाँ थी मैंने कम कही तो यहाँ 12 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पे जितनी भी इसके अंदर वैल्यू है ना, अगर हर लेट सपोज यही वैल्यू कोई 500 हुई तो हम कैसे क्या है कि काउंट करेंगे, 1 2 3 करके, ऐसे नहीं करेंगे हम। उसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे काउंट ए का। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, सेल के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, ये सारी वैल्यूज को उठा के हमें दे देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी काउंट है क्या करता है, हमारी वैल्यूज को काउंट कर रहा होता है। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब इसको मैं अप्लाई भी करना बताऊंगा, ये अप्लाई भी कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास आएगा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या है, यहाँ पे देखें आपको काउंट ब्लैंक मिल रही होंगी 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट ब्लैंक। ठीक है, कि ये जो 3 ब्लैंक से लेना। अब देखें समटाइम अगर कोई हमारे पास कहीं पे भी इधर से लेके इधर तक कहीं पे भी अगर हमारे पास ब्लैंक सेल होगा, खाली सेल होगा, तो ये उसको मुझे काउंट करके देगा। लेट्स सपोज अगर बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे शीट्स में बहुत सारे ब्लैंक सेल खाली होते हैं, हमें पता नहीं चलता कितने हैं, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू सारे ब्लैंक सेल उठा के हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 सेल खाली थे, तो इसने यहाँ पे हमें 3 सेल का बताया कि भाई 3 सेल आपके खाली है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, आपको समझ आया। ओके अब देखें इसी जगह पे अगर मैं ब्लैंक सेल एक और बढ़ा देता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये वाली वैल्यू उठा देता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, तो अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, 4। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें 4 हो गया, यानी कि 1 2 3 और इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं 4। ठीक है, टोटल 4 मेरे पास हो गए और इस 4 का ये टोटल काउंट ब्लैंक था। ठीक है, और इसने कहाँ पे हमें शो कर दिया, टोटल यहाँ के ऊपर। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों का, तो आगे चलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्लियर होगा, आसान है। अब आ जाते हैं हम काउंट पे। अब देखें यहाँ पे आ रहा है काउंट। ठीक है, काउंट यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ को आप देखिएगा, दो चीज़ों को आप समझिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट ए यानी काउंट ऑल, और 13 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है काउंट। ठीक है, और यहाँ पे भी आ रहा है 13, यानी कि सेम चीज आ रही है। काउंट ए और काउंट में एक ही चीज है, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं ये आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि काउंट ए और काउंट हमारी फिगर्स को, हमारी वैल्यूज को काउंट करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे ये क्या करता है, हमारे वैल्यूज को काउंट कर रहा होता है, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पे दो ब्लैंक होगा, क्यों, तीन थे ना, अच्छा एक वैल्यू बढ़ा दी थी मैंने, सही है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा तीनों चीजें, ठीक है। अब आता है काउंट इफ, ये क्या काम करता है अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। काउंट इफ हमारा काम क्या करता है, अब यहाँ पे ये काम ये करता है कि लेट सपोज अगर मैं इसको खोलूं, यहाँ पे मैंने एक चीज डिफाइन करवाई हुई है, क्या डिफाइन करवाई हुई है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन है 5, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला देखें क्या डिफाइन करवाया हुआ है, ग्रीन, ये रहा, ठीक है, ग्रीन डिफाइन करवाया हुआ है। मतलब क्या, यहाँ पे हमने एक डिफाइन दिया, एक हमने इसको की दी कि भाई इसके अंदर से ये जो सारी की सारी मेरे पास कलर्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर कितने ग्रीन कलर हैं ये मुझे निकाल के दे दो। समझ आया आपको। तो भाई ये अब हम ऐसे तो नहीं ढूंढेंगे 1 2 3, हमने ये नहीं करना, हमने सीधे से फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जैसे यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है ऐसे ग्रीन लिख के हमने टोटल फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये हमें प्रॉपर ग्रीन को उठा के दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर ग्रीन नहीं, हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे तो ये उस कलर को उठा के देगा। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें यहाँ ग्रीन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिख दूंगा तो ये ब्लू को ढूंढ के देगा, अगर मैं यहाँ पे रेड लिख दूंगा तो यहाँ पे रेड को ढूंढ के देगा, ठीक है। अभी आपको अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखिए चारों फॉर्मूले लिखे हुए भी हैं, आपको समझ में भी आ जाएंगे। ये चारों फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हुए, ये चारों फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए। सो पहला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हमने कैसे अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना, हमने इक्वल टू लिखना है और लिखना है काउंट ए, ठीक है, ये लिखा, ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके नीचे तक की कंप्लीट वैल्यू, पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। इंटर करेंगे तो इसने क्या करा, मुझे टोटल मेरी वैल्यू निकाल के देती है, मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज मौजूद हैं, टोटल मेरे पास 12 काउंट है, इसने मुझे 12 निकाल के देती है कि मेरी वैल्यूज जो है, यानी कि मेरे जो स्कोर थे वो टोटल 12 हैं, 12 है, यहाँ से निकाल के दे दिए। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से, ठीक है। अब आते हैं काउंट ब्लैंक। अब भाई मैं ये देखना चाह रहा हूँ मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है, मेरे इतने एरिया में कितने सेल खाली हैं, ठीक है, मैं ये चीज देखना चाहता हूं, तो ये मैं कैसे ढूंढूंगा। मैंने लिखा काउंट ब्लैंक, ठीक है, ये रहा, ये मैंने लिखा काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट दिया। उसके बाद वही सेम काम, यहां से यहां तक की मैंने पूरी ऊपर से लेकर लास्ट तक की सेल्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को कर दिया वापस बंद, तो इंटर किया। अब इसने क्या किया, मुझे मेरे ब्लैंक सेल मुझे बता दी मेरे पास कितने खाली थे, ठीक है। इसी तरह आ जाते हैं काउंट इफ में, यानी कि सॉरी काउंट में, काउंट भी क्या कर रहा है हमारे पास, ये क्या कर रहा है हमारी वैल्यूज को ही काउंट कर रहा है, और आगे कंडीशन है इसकी जो आगे आपको मैं बताऊंगा, पता चलेंगी क्या कंडीशन है, ठीक है। अब देखें मैं फिर इक्वल टू और लिखा मैंने सिंपल सा काउंट और लिया ब्रैकेट, वही सेम काम किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, इंटर किया, तो देखें मेरे पास टोटल काउंट आ गया मेरा 12, ठीक है। अब ये दो काउंट का थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन अभी ये समझ लें दोनों एक ही तरह से अप्लाई हो रहे हैं, ये समझ लें, ठीक है, ये दोनों एक ही तरह से अप्लाई हो रहे हैं। अब इसकी कंडीशन में आगे चल के बताऊंगा कि क्या है, ये दोनों का मतलब क्या है, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं लेकिन पर्पज क्या है, ठीक है। अब आते हैं काउंट इफ में। काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। भाई मुझे ये पूछने हैं, मुझे एक सवाल है, मेरा ये सवाल है कि मुझे इसमें ये देखना है कि इसके अंदर मेरे पास जो रेड कलर हैं वो कितने हैं, मुझे ये निकालना है। मैं काउंट नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इक्वल टू लिखा, फिर मैं लिखा काउंट इफ, ठीक है, ये लिख के मैंने ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट देने के बाद मैंने क्या किया, इस पूरे सेल की रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं एक कोमा दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी ये C2 से C16 की जो वैल्यू थी, जाने के जो सेल थे वो तो सारा सिलेक्ट हो गया, वो यहाँ तक मेरा काम हो गया खत्म। अब मुझे निकालना जो है मैं वो लिखूंगा, वो कैसे लिखूंगा, कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद लिखूंगा डबल कोट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिनट मैं ये बॉक्स हटा दूं, आपको कंफ्यूजन होगी। ओके, बॉक्स हटा दिया मैंने, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा सेल को खोल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इज इक्वल टू मैंने लिखा काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद मैंने ये पूरी की पूरी अपने कलर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को सॉरी कोमा दिया। कोमा देने के बाद मैंने क्या देना है, डबल कोट। याद है डबल कोट में हम वो चीज देंगे जो चीज हमें ढूंढनी है, जो चीज हमें निकालनी है, डिफाइन करनी है इस वैल्यूज में से। ये वैल्यू क्यों दी है मैंने, C2 से C16 की वैल्यू इसलिए दी ताकि मैं जो भी वैल्यू इस डबल कोट में लिखूँ वो यहाँ से ढूंढ के मुझे निकाल के दे, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेड, फिर से डबल कोट और ब्रैकेट को कर रहा हूँ मैं बंद। डन। अब सुनिएगा जरा, मैं लगाया काउंट इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट दिया मैंने C2 से C16 की वैल्यू सेलेक्ट करी, यानी कि ये पूरी वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू। ये जो देखें आपको सिलेक्शन आ रही, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर से ये इस रेड कलर को ढूंढे जो मैंने डबल कोट के बीच में सेपरेट करके लिखा है, ठीक है। तो ये इसी के सेल के अंदर से जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ इस सेल के अंदर से ये मेरी पूरी वैल्यूज को ढूंढेगा, यानी कि रेड को ढूंढेगा, और जहां जहां से इसको रेड मिलेगा ये निकाल के आपको यहाँ पे टोटल काउंट बता देगा कि भाई आपके पास रेड कलर टोटल कितने हैं, 5 है। क्लियर हुआ आपको?